मुंबई शहर से लगभग 10 किलोमीटर पर आप यह आकर्षित और दर्शनीय एलिफेंटा गुफाएं देख सकते हैं, जिनकी दीवारों को पत्थर से बेहतरीन तरीके से तराशा गया है और कई देवताओं की मूर्तियों के यहाँ दर्शन किए जा सकते हैं। इस जगह का नाम घारापुरी भी है, जिसका अर्थ होता है गुफाओं का शहर। पहाड़ियों को काटकर बनाई गई एलिफेंटा गुफाएं 60,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में निर्मित है, जिसे दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग हिंदू धर्म से संबंधित 5 गुफाओं में बांटा गया है, जबकि दूसरा भाग बौद्ध धर्म से संबंधित 2 गुफाओं में। यह एक बड़ा हॉल है जिसमें भगवान शिव की 9 मूर्तियां हैं, जो शंकर जी के विभिन्न रूपों और क्रियाओं को दिखाती हैं। इनमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षक है। यह मूर्ति लगभग 23 फीट लंबी है। इस मूर्ति में भगवान शंकर के 3 रूपों का चित्रण किया गया है। मुख्य गुफा में 26 स्तंभ हैं, जिसमें शिव के कई रूपों को दिखाया गया है। गुफा के मुख्य हिस्से में पर्यटकों के अलावा 3 ओर से खुले सिरे हैं और इसके पिछली ओर 27 मीटर का चौकोर स्थान है, जिसे 6 खंभों के द्वारा सहारा दिया जाता है। ये गुफाएं 5वीं और 8वीं सदी के बीच की हैं, लेकिन अभी भी इन गुफाओं के इतिहास के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं। स्थानीय किंवदंतियों के मुताबिक इन्हें बनाने का श्रेय महाभारत के नायकों और शिव भक्त दानव बंसुर को दिया जाता है। लोगों का यह भी मानना है कि महाभारत काल में पांडवों ने निवास करने के लिए इस गुफा का निर्माण किया था। इतिहासकारों के अनुसार चालुक्य राजवंश राजकुमार ने जंग जीतने के बाद यहाँ भगवान शिव के विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। जब यहाँ पुर्तगाली आए तो उन्होंने कई गुफाओं को छिन्न भिन्न कर दिया। आक्रमणकारियों के आने के बाद यहाँ होने वाली पूजा बंद हो गई। यहाँ हाथियों की मूर्तियाँ देखकर पुर्तगालियों ने इसे एलिफेंटा नाम दिया। हालांकि एलिफेंटा गुफाएं किसने बनवाई, इसका आज भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। 1970 में एलिफेंटा की गुफाओं की दोबारा मरम्मत की गई थी और 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इन गुफाओं को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। फिलहाल इसकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है। महानगर मुंबई के पास स्थित और पर्यटकों के लिए इतना बड़ा आकर्षण का केंद्र होने के बावजूद एलिफेंटा की गुफाएं आज़ादी के 70 साल के बाद भी अंधकार में थी, लेकिन मोदी सरकार के हर गांव बिजली योजना के तहत एलिफेंटा की गुफाएं भी रोशन हो चुकी हैं। एलिफेंटा की गुफाओं में हर कदम पर धर्म और इतिहास का साथ देखने को मिलता है, या यूं कहें इतिहास का आध्यात्मिक चेहरा है एलिफेंटा की गुफाएं।